हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड आज आ चुके हैं हम PW के अपने पहले वीडियो के साथ। तो इस चैनल पे मैं अपना पहला वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि खजाना जो नया हमारा ऑफरिंग है, जो आपको ऐप पे या वेबसाइट पे भी देखने को मिला होगा, उसमें क्या क्या है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके डिस्कॉर्ड पे देखे थे, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके हम यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। जिनको खजाना के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है। एंड आपको वो बाय करना चाहिए या नहीं, वो एक बड़ा सवाल जो आपके मन में भी होगा, उसका जवाब हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं हमारे माई बैचेस में। एंड माई बैचेस के अंदर अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर आपको बेसिकली अभी के लिए खजाना देखने को मिला होगा। आप गए होंगे पढ़ाई करने के लिए, एंड वहाँ पर एक न्यू एड ऑन खजाना अवेलेबल आपको दिखा होगा आपके बैच पेज पर। एंड खजाना का जो टैब है वो भी आपको ऐप पर दिखा होगा। ऐप पर जो न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द ऐप है 12.88 के बाद वाला, अगर आप 13 पे हैं, 13.1 पे हैं, 13.2 पे हैं, 13.3 पे हैं, या फिर उसके बाद वाले वर्जन पे, तो वहाँ आपको खजाना देखने को मिलेगा। अगर आप उससे पुराने वर्जन पे हैं तो आपको खजाना का टैब नहीं दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था बच्चों का कि ऐप पे क्यों नहीं दिख रहा है, तो ऐप को अपडेट कर लीजिए, वहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम खजाना के बारे में अगर हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें तो व्यू मोर पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो जो भी आपके पुराने बैचेज हैं, तो काफ़ी बच्चों का डिमांड रहता है कि मुझे इन टीचर से पढ़ना है, मुझे इन टीचर से पढ़ना है, मुझे इन टीचर से पढ़ना है, जो कि बैच में अवेलेबल नहीं होते हैं उस टाइम पर। तो उनके लिए खजाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पुराने वीडियोज़ उन टीचर्स के हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले बैचेज में पढ़ाए हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं खजाना में किस तरीके से ये बना हुआ है, कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो जैसे ही आप खजाना के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको डिपेंडिंग ऑन योर क्लास आपको वहाँ पर सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, टाइप देखने को मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ड्रॉपर बैच में हूँ, विच इज़ यकीन ड्रॉपर नीट बैच में, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दिख रहा है। बट अगर मैं 12th के बैच में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी दिखेगा। ही साथ साथ में एक बोर्ड का जो खजाना है वो भी देखने को मिलने वाला है, एंड वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार किस तरीके से वो दिखता है। तो खजाना खजाना क्यों है, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने जो जिसका नाम है उसको डिफाइन करता है। इसके अंदर आप जैसे जाएंगे आपको अलग सर, MR सर, सतीश सर, शांतनु सर, विजय सर, फिजिक्स में इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो सर्वेश सर, पंकज सर, मोहित सर, ऋतिक सर, एंड काफ़ी सारे और भी टीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ में बायोलॉजी में हमारे पास तरुण सर, मनीष सर एंड सभी टीचर्स जो हैं बाकी वो देखने को मिलेंगे। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब में आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। एंड साथ साथ में आप अपने बैच के टीचर से तो पढ़ ही सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ आपके पास रहेंगी। खजाना में एक तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। किसी भी एक चैप्टर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको उनके लेक्चर्स, साथ साथ में जो लेक्चर के नोट्स थे वो, DPPs एंड DPPs की जो सोल्यूशन है वो स्ट्रक्चर ढंग से देखने को मिलने वाले हैं। DPP के सोल्यूशन आपको PDF एंड वीडियो दोनों फॉर्म में मिलेंगे, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है एंड काफ़ी मज़ा आएगा बच्चों को जब वो यहाँ से पढ़ेंगे। तो इस सोच के साथ हमने खजाना बनाया है। किसी भी खजाना के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर टीचर का नाम सबसे ऊपर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर MR सर आपको दिख रहे हैं, और ये भी आपको दिखेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, साथ साथ में कौन से बैच से वो वीडियो लिए गए हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये सब के बाद आपका जो खजाना का वॉक थ्रू है वो तो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाता है, तो ड्रॉपर में आपको ये देखने को मिलेगा। इसका जो प्राइस है तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के, सभी टीचर्स को मिला के, एंड साथ साथ में अपडेट भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये खजाना में जितने टीचर्स हैं उतने आपको मिलने वाले हैं। अभी अलग सर के हम और लेक्चर्स ऐड करने वाले हैं, ये अभी लक्ष्य के लेक्चर्स हमने ऐड किए, अभी हम यकीन के लेक्चर्स भी ऐड करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो जब ये वीडियो लाइव जाएगा तब तक मेरे हिसाब से यकीन के वीडियोज़ भी लाइव हो चुके होंगे, एंड वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल पूरे जो पैकेज है इसका प्राइस है 999 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एंड अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको 499 में वो देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम पेमेंट्स रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस थे बच्चों के कि क्या हम यहाँ पर PW पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी नहीं, अभी के लिए आप PW पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में भी ऑप्शन इसमें नहीं आने वाला है। एट द सेम टाइम और भी क्वेश्चन थे बच्चों के कि डाउट इंजन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो जी नहीं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारा कंटेंट है, इसमें डाउट इंजन प्रेजेंट नहीं है। बट अगर आपको इसमें डाउट आता है तो अपने क्लासरूम में जाकर जो पहला स्लाइड होता है, जो मिसलेनियस स्लाइड होता है, उसमें आप इसके डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं। क्या खजाना के और अपडेट्स आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल खजाना में और लेक्चर्स आने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल रहता है बच्चों का, तो इसका भी जवाब यह है कि खजाना में और लेक्चर्स धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। एक और क्वेश्चन जो बच्चों का था कि खजाना का वैलिडिटी क्या है, तो खजाना का वैलिडिटी जितना, जब तक आपका बैच रहेगा तब तक जो खजाना है वो आपके साथ रहने वाला है, जब बैच एक्सपायर होगा उसके साथ ही खजाना जो है वो एक्सपायर होगा।
बढ़ते हैं हम अपने 12th के ख़जाना की तरफ। तो काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल था कि प्राइस क्या सेम है सब खजानों की, तो जी हाँ बिल्कुल, चाहे आप 11th की बात करें, चाहे आप 12th की बात करें, चाहे आप ड्रॉपर की बात करें, खजाना इज़ सेम फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर मैंने ये जो 11th का है अर्जुना नीट का जो खजाना है वो ही परचेज़ करके रखा हुआ है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, साथ साथ में इसमें हम बहुत सारे जो जो लेक्चर्स हैं वो एनिमेटेड लेक्चर्स भी डाल रहे हैं। तो ये कमिंग सून जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमेटेड लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप ज़रूर तैयार रहें, रेडी रहें एंड देखें इसको भी। एट द सेम टाइम एक बार हम परचेज़ का भी फ्लो देख लेते हैं। तो अगर हम लक्ष्य नीट में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक खजाना खरीद के रखा हुआ है, एक भी खजाना नहीं खरीदा यहाँ पर, जेई में मैंने एक खजाना खरीद के रखा हुआ है, तो एक बार वहाँ भी जाएंगे। तो अगर हम बात करें नीट के खजाना की, जो लक्ष्य नीट के खजाने, इसमें मेरे चारों खजाना जो है वो अनपरचेज्ड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 12th का बैच है तो यहाँ पर बोर्ड का खजाना आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अनलॉक खजाना पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा कंप्लीट खजाना, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोर्ड, चारों चीज़ें सिर्फ 999 में मिलेंगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो है जो यहाँ पर हुई है। साथ साथ में अगर आप एक खजाना खरीदना चाहते हैं, आप सिर्फ फिजिक्स का खरीदना चाहते हैं, आप सिर्फ केमिस्ट्री का खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्राइस दिख जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक सिंगल खजाना खरीद लेते हैं तो उसके बाद आप टू जो जो चारों का मिला के 999 में खजाना है वो नहीं खरीद पाएंगे। तो आप मेक श्योर करिए कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पूरा खजाना लेना है या सिंगल खजाना लेना है, एंड उस हिसाब से अपना आप परचेज़ डिसीजन करें। तो अगर आपने कोई खजाना नहीं खरीदा तो आपको वैसा दिखेगा, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं खरीदा, अगर आपने एक सब्जेक्ट खरीद रखा है तो आपको खजाना कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे इसमें मैंने केमिस्ट्री खरीद रखा है, मैं अनलॉक खजाना पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ, तो मैं 999 वाला ऑफर नहीं अब ले सकता हूँ, अब मुझे एक एक करके ही खरीदना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खजाना से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं जिनके हम जवाब देते रहते हैं। इसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ में अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। PW से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।